नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हरविंदर सिंह, HSD टेक हब से। कल की वीडियो के अंदर आप जो टॉपिक्स पढ़ चुके हो बेसिक कंप्यूटर के बारे में, उसके फंडामेंटल के बारे में, कैसे वो काम करता है, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और जैसे हमने उस दिन लिखा था कि कंप्यूटर क्या करता है, एक तो इनपुट करता है और एक प्रोसेस करता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। अब इनके बारे में हमने यहाँ पे बात छोड़ी थी कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से ये सारे काम होते हैं, ऐसी मशीन्स के कोई पार्ट हैं ऐसे, ठीक है। तो वो डिवाइसेस कौन कौन से हैं, वो पार्ट कौन से हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि एक थोड़ा सा एक बात और जान लें कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है। कितनों से? दो चीज़ों से। तो एक तो बात आती है हमारे पास हार्डवेयर, और एक बात आती है हमारे पास किसकी? सॉफ्टवेयर की। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों से मिलके बना है। इस इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अगर हार्डवेयर नहीं है तो भी काम नहीं करेगा, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? हार्डवेयर कौन से पार्ट होते हैं? फिजिकल पार्ट्स। कौन से? फिजिकल पार्ट्स, यानी कि ऐसे पार्ट जिनका वजन भी है, आकार भी है। जब आप अपने घर पे कंप्यूटर लेके आते हैं या हम कहीं कंप्यूटर देखते हैं तो हमारे सामने जो चीज़ें नजर आती हैं कंप्यूटर की, वो कौन से पार्ट होते हैं? हार्डवेयर पार्ट होते हैं, ठीक है। ओनली हार्डवेयर से कंप्यूटर हमारा काम नहीं करता, उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर भी डलवाने पड़ते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई निर्देश है, उनका सेट है, उनका ग्रुप है। कोई खास काम करवाने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, निर्देश देते हैं, वही प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर पार्ट है ना हमारे, ये आगे चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वही हम यहां पर डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। हार्डवेयर पार्ट्स देखो, हमने कहा कि कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ, या ये कहें कि डेटा को इनपुट करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर। तो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं, तो मतलब हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस चाहिए जिनकी मदद से हम डेटा को इनपुट कर सकें। तो वो डिवाइसेस कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस। और फिर कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देते हैं, तो उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब तीसरा जो आता है हमारे पास, फिर हम कहते हैं कि सर अच्छा, ये जो प्रोसेस कर रहा है, इस प्रोसेसिंग के लिए भी तो कोई ना कोई पार्ट चाहिए। कल हमने प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, तो प्रोसेसर भी तो एक पार्ट है। तो ऐसे भी कई सारे पार्ट आएंगे, तो इनको बोला जाएगा जो ऐसे इनके अंदर मदद करेंगे, तो प्रोसेसिंग यूनिट, वो होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एक यहां पे जब ये जो फ्लो होता है ना, इसमें क्या होता है, हमने कहा प्रोसेस किया, इनपुट किया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, तो लेकिन यहां पे डेटा को स्टोर भी किया जाता है। तो कंप्यूटर का ये भी तो मेन पार्ट है कि हम कंप्यूटर के अंदर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, हमें जब भी जरूरत होगी हम वहां से ले लेंगे। तो स्टोरेज के लिए भी तो चाहिए। तो डेटा को जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है, या जब भी हमें डेटा को स्टोर करके रखना है, तो फिर हमारे पास कौन क्या आती हैं? मेमोरी यूनिट्स आती हैं। ऐसे कौन से डिवाइस आते हैं? मेमोरी यूनिट्स आते हैं। तो ये हार्डवेयर की चार कैटेगरीज हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। अभी आज का हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि कौन कौन से ये डिवाइसेस हैं, इन्हीं हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कौन से? इनपुट डिवाइसेस। नाम दिखा रहा है इनपुट, इन यानी कि हमें इन करवाना है डेटा को किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर, या ये कहें कि सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या करवाना है? इन करवाना है। तो इसको बोलते हैं हम इन, ऐसे डिवाइसेस जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। कौन से? इनपुट डिवाइसेस। तो कल दो आपने देखे थे, तो एक तो क्या होता है सर हमारे पास? कीबोर्ड, ठीक है, और एक आपने देखा क्या होता है? माउस। दो तो आपने देखे कि किन के लिए कौन सी जरूरत पड़ती है, एक तो कीबोर्ड की, ठीक है, और एक माउस की। कीबोर्ड सभी जानते हो, ठीक है, कीज होती हैं,
कौन कौन सी कीज होती हैं कीबोर्ड के ऊपर या कितनी कीज होती हैं, लगभग इसकी अगर काउंटिंग की बात करें तो 102 से लेकर 104 तक तो नॉर्मल कीबोर्ड्स के अंदर होती हैं, और अगर वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो 108 से 1112 तक 1010 तक भी हो सकती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर तो कीज लगभग 102 से 104 तक होती हैं, लेकिन अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, कुछ एक्स्ट्रा बटन चाहिए, वॉल्यूम का, वेब ब्राउजर का, फाइल एक्सप्लोरर का, तो वो 108 से लेके 112 तक कीज हो सकती हैं। तो ये किसके अंदर होता है? कीबोर्ड की कीज के अंदर। लेकिन कीज कौन कौन सी होती हैं, टाइप ऑफ कीज क्या होती हैं? तो कीबोर्ड के अंदर एक तो होती है, सबसे ऊपर जो होती हैं वो होती हैं फंक्शन कीज। क्या होती हैं? फंक्शन कीज। कितनी होती हैं? F1 से लेके F12 तक, तो टोटल हो गई 12 कीज। सो क्वेश्चन ये होता है कि कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज की संख्या कितनी है, तो फंक्शन कीज कितनी होती हैं? 12 होती हैं, और जो सबसे पहले रो होती है, सबसे ऊपर वाली रो, F1 से लेके F12 तक, ठीक है। और उसके बाद जो कीज आती हैं वो आती हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है, जिसके ऊपर 01 से लेके 0 तक नंबर भी होते हैं और नीचे अल्फाबेट्स भी होते हैं। अल्फाबेट्स की व्यवस्था कैसे होती है? क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई से लेके होती है, है ना। तो कीबोर्ड के कीज जो होते हैं वो ए बी सी डी से नहीं होते, पहली लाइन जो ऊपर से क्यू डब्ल्यू ई आर टी से व्यवस्थित होती है, इसीलिए हम इसे कह देते हैं हमारा क्वेरिटी कीबोर्ड। कैसा कीबोर्ड? क्वेरिटी कीबोर्ड। मोबाइल के ऊपर भी जो पैड आता है, कीबोर्ड आता है, हम क्वेरिटी कीपैड कह देते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो पहली जो ऊपर ऊपर वाली रो होती है वो क्यू डब्ल्यू ई आर टी से स्टार्ट होती है, इस तरीके से आगे बटन चलते हैं, सेकंड ए एस डी एफ से और लास्ट वाली जेड एक्स वाई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं कीबोर्ड्स। और कितनी कीज? फंक्शन कीज आ गया, अल्फा न्यूमेरिक कीज आ गया, इसके बाद कौन सी होती है? नेविगेशन कीज। कंप्यूटर के अंदर नेविगेट करने के लिए कौन सी कीज? चार तो एरो हो गई, है ना, एक होती है होम कीज, एक होती है एंड कीज, एक होती है पेज अप कीज, एक होती है पेज डाउन कीज। तो नेविगेट करने के लिए पेज, एक पेज ऊपर जाना, पेज नीचे आना, होम रो के स्टार्टिंग में जाना, रो के लास्ट में आना, एंड कीज, और फिर हमारे पास नेविगेशन कीज, ये एरो कीज, ठीक है, इसको बोलते हैं नेविगेशन कीज, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर और कौन सी कीज होती हैं? ओनली न्यूमेरिक कीपैड भी तो होता है भाई, न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक की जो कैलकुलेटर टाइप होती हैं अलग से, है ना, तो ये न्यूमेरिक कीपैड्स भी होती हैं। और कुछ होती हैं स्पेशल पर्पस कीज, स्पेशल पर्पस कीज, जिनका कुछ स्पेशल काम है, स्पेशल पर्पस है जिन कीज का काम के अंदर। तो कौन कौन सी ऐसे स्पेशल पर्पस कीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है, कैप्स लॉक आ जाएगा, और शिफ्ट आ जाएगा, कंट्रोल बटन आ जाएगा, और अल्ट बटन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बटन्स, डिलीट बटन, तो ऐसे जो बटन्स हैं वो स्पेशल पर्पस की के अंदर आते हैं। तो कीबोर्ड की इतनी सारी कीज की व्यवस्था होती है और इन सभी कीज से मिलके कीबोर्ड बनता है, ठीक है। कीबोर्ड कई प्रकार के हो सकते हैं, वायरलेस कीबोर्ड भी आजकल आते हैं, बिना वायर के कनेक्ट होते हैं ना, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाले ब्लूटूथ कीबोर्ड आते हैं, और मैकेनिकल कीबोर्ड भी होते हैं जो खास तरह से व्यवस्था जिनकी होती है, बड़ा आसानी से हम टाइपिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कीबोर्ड से संबंधित इतने क्वेश्चंस थे। एक जो क्वेश्चन बनता है कीबोर्ड के अंदर वो बनता है टोगल कीज का, टोगल कीज। कंप्यूटर के अंदर तीन टोगल कीज होती हैं, एक होती है कैप्स लॉक, ये सारे लॉक की होती हैं भाई, एक होती है नंबर लॉक, और एक होती है स्क्रॉल लॉक, और ये तीनों लॉक की होती है। टोगल की का मतलब ये है कि एक बटन को आप प्रेस करोगे तो फंक्शन ऑन होगा, दोबारा प्रेस कर दोगे तो फंक्शन ऑफ होगा, यानी कि दो काम एक ही कीज करती है, ऑन करने का भी वही काम करती है और ऑफ करने का भी वही काम करती है, तो वो टोगल कीज कहलाती है। तो तीन कीज हैं, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, और इन सभी के लिए क्या है, कंप्यूटर पे एक अलग से इंडिकेटर दिए होते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा, कभी कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, नंबर लॉक ऑन है या ऑफ है, या स्क्रॉल लॉक ऑन है या ऑफ है, कैसे पता चलता है, इंडिकेटर से पता चलता है जो कीबोर्ड के साइड में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास कीबोर्ड के बारे में। इसके अलावा जो कुछ डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम अलग से कह सकते हैं सर
क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। कौन से? इनपुट वाले, पॉइंटिंग, पॉइंट करना, या ये कहूं कि माउस पॉइंटर को मूव करने वाले। तो माउस पॉइंटर को मूव तो एक तो हम माउस से ही करते हैं, एक तो हमारे पास कौन सा डिवाइस है, माउस है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, लैपटॉप के अंदर क्या होता है, टच पैड। लैपटॉप के अंदर टच पैड होता है, फिंगर मूव करते हो तो माउस पॉइंटर मूव होता है, ठीक है। और माउस किससे मूव हो सकता है, जॉयस्टिक से भी मूव हो सकता है, और ट्रैक बॉल से भी हो सकता है, ट्रैक बॉल से भी हो सकता है, है ना। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, इवन लाइट पेन भी आता है, लाइट पेन। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस। टच पैड, लैपटॉप के अंदर जो टच पैड है, जॉयस्टिक दो काम करती है, पॉइंटिंग डिवाइस की तरह भी और गेम्स खेलने के लिए भी, गेम्स खेलने के लिए भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। आप कहते हो कि सर गेम्स खेलने के लिए हम कौन सा डेटा इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, और आप कह रहे हो कि ये इनपुट डिवाइस है। तो मतलब जो इंस्ट्रक्शन देते हैं गेम्स के अंदर, तो निर्देश देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। जब प्लेयर वो खेल रहा है गेम को, तो उसको मूवमेंट देनी होती है, है ना, तो उसके लिए उसको ट्रिगर देने होते हैं, तो वो भी तो हम इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं। इसीलिए फिर ये भी किस प्रकार से आते हैं, इनपुट डिवाइस आते हैं, जॉयस्टिक या इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से और अगर ये तो पॉइंटिंग डिवाइस हो गए, ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस की जैसी संरचना होती है लेकिन उसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, उस बॉल के अपने फिंगर से मूव करते हैं धीरे धीरे, तो पॉइंटर मूव होता है। ट्रैक बॉल खास करके वहां पे यूज होती है जहां पे हमें काफी बारीक काम करना हो, प्रोसीजन की जरूरत हो। देखो माउस को आपने कभी मूव करके देखा हो, शुरुआत के अंदर अगर आप पेंट यूज करते हो, माउस से आपने अपना नाम लिखने की कोशिश की हो, तो देखो कितना मुश्किल होता है माउस से लिखना, माउस पे प्रोसीजन नहीं ला सकते, ठीक है, काफी बारीक काम माउस से करना मुश्किल रहता है। तो वो ट्रैक बॉल से आसानी से हो जाता है, एक फिंगर से आप ट्रैक बॉल को धीरे धीरे मूव कर सकते हो, और जिससे फिंगर मूव, पॉइंटर जो है हमारा मूव होता है। तो यहाँ पे ये कैड की ड्रॉइंग्स के अंदर, कैड ड्राइंग के अंदर इसके अंदर यूज़ की जाती है। जॉयस्टिक्स किसके अंदर यूज़ की जाती हैं, जॉयस्टिक हो गया, या यही हमारे पास फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर ट्रैक बॉल वगैरह यूज़ की जाती हैं, ठीक है। रेडार, ट्रैक बॉल रेडार सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती हैं, रेडार को मूव करना, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर। अच्छा, और कौन कौन से इनपुट डिवाइस हो सकते हैं सर, गेम पैड। अच्छा, वॉल्यूम के लिए, अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आज तक आप तक आ रही है, ये कैसे रिकॉर्ड हो पाया, कैसे मेरी वॉइस इनपुट हो पाई, तो कैसे हो पाई, माइक से, या इसे कह सकते हैं माइक्रोफोन, कैसे कह सकते हैं, माइक्रोफोन या माउस से ये चीज हो पाई, ठीक है। इसके अलावा और कौन से इनपुट डिवाइस हैं, और क्या क्या डेटा इनपुट हो सकता है, स्कैनर, आप फोटोज हैं, आपकी पिक्चर है, आप फॉर्म भरवाने जाते हो, आप साइन करते हो, वो साइन और पिक्चर जो होते हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाते हैं, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कौन सा, स्कैनर। ये सारे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो स्कैनर हो गया, ये तो मोटे मोटे जो है मेन इनपुट डिवाइसेस जो है वो हो गए हैं, ठीक है। अभी इनके पास तीन जो ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं, तीन चार ऐसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आपने एक सुना होगा OMR, एक होता है OCR, एक होता है MICR और एक होता है BCR। बस इनकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। OMR शीट पे जो पेपर होता है, मार्क्स को अपने को काले गोले भरने होते हैं, तो उसको भी तो अपने कहते हैं कि ये शीट कंप्यूटर चेक करता है, हम यही कहते हैं। OMR शीट पे एग्जाम क्यों होने लगा, क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है, तो कंप्यूटर कैसे चेक करेगा, गोलों से, जो गोले भरे होते हैं उन्हीं से चेक करता है, ठीक है। तो OMR ऑप्टिकल, तो चेक करने के लिए भी तो इनपुट डिवाइस चाहिए ना उन शीट को, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, और MICR की इंपॉर्टेंट रहती है बैंक्स के अंदर, बैंक चेक DD वगैरह जो होते हैं वो टाइप किए जाते हैं स्पेशल इंक से जो होते हैं, तो वो MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और BCR होता है बार कोड रीडर, ये बार कोड आप जानते ही हो, बार कोड रीडर, लगभग जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीद के लेके आते हो पैकिंग वाले, तो उनकी पैकिंग के ऊपर एक बार कोड्स होते हैं,
ऐसे वाले बार कोड्स, ठीक है। आप मॉल्स के अंदर जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वो इन बार कोड्स को स्कैन करते हैं, तो जो स्कैनर होता है उनके पास, जो लाल रंग की लाइट इसके ऊपर डालता है, और जो भी डेटा इस उस प्रोडक्ट के बारे में होता है वो सारा इनपुट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। तो ये चारों के फुल फॉर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR बार कोड रीडर, और OCR ऑप्टिकल क्रेटर रिकॉग्निशन, और MICR मैग्नेटिक इंक क्रेटर रिकॉग्निशन। MICR यूज किया जाता है कहाँ, यूज किया जाता है बैंक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे जो डिवाइसेस थे सारे जो हमें अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करने के काम में आते हैं। कैसे, कहाँ पे यूज करते हैं हम डेटा को इनपुट करने के, ठीक है। और वेबकैम भी है इनपुट के अंदर, पिक्चर्स को इनपुट करने के लिए क्या है, वेबकैम है, है ना। वीडियो कॉल करते हो तो हमारी वीडियोस जाती है, तो वेबकैम्स भी इसके अंदर यूज होता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए आपने फोटो खिंचवाई होगी, वेबकैम से खींची उन्होंने, है ना, तो वेबकैम भी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो आउटपुट कैसे देता है। तो हमने देखा कि आउटपुट के लिए परिणाम जो प्राप्त होते हैं, रिजल्ट जो आते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो ऐसे कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो आउटपुट के लिए बात करें तो आउटपुट देखो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में और एक होता है हार्ड कॉपी के रूप में। आउटपुट हमें दो तरीके से मिल सकता है, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, एक होता है हार्ड कॉपी के रूप में। फर्क क्या है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब ऐसा है जहां पे आपको जो रिजल्ट मिला वो आपने स्क्रीन पे देखा, जैसे मॉनिटर है कंप्यूटर के अंदर, क्या चीज चल रही है या उसने क्या हमें रिजल्ट दिया वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखा दिया, तो वो चेंज बदला भी जा सकता है, तो वो कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको छाप के दे दी जाए, कागज़ पे छाप दी जाए, फ्लेक्स पे छाप दी जाए, तो जो प्रिंट कर दी जाए, ऐसे आउटपुट होते हैं हार्ड कॉपी। ऐसे क्या होते हैं, हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन से आएंगे सर, एक तो आएगा मॉनिटर, ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, प्रोजेक्टर। क्यों, मॉनिटर तो छोटे आकार का है, कितना बड़ा मॉनिटर आपने देखा होगा, LCD या LED आजकल हम देखते हैं, तो 32 इंच, 42 इंच, 48, 54 इंच, उससे बड़ा क्या जाओगे। तो जब बहुत बड़ी स्क्रीन पे अगर हमें कुछ देखना होता है तो हमें प्रोजेक्टर यूज करते हैं। सिनेमा हॉल्स के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है, बड़े पर्दे के ऊपर जो है वो रोशनी जो प्रोजेक्ट की जाती है ना, तो प्रोजेक्टर उसके लिए यूज होता है। है क्या, सारे के सारे ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और स्पीकर, ये भी तो आउटपुट देता है ना। कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, सॉन्ग चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, आवाज चल रही है, म्यूजिक्स है, तो उन सबको आउटपुट दे रहा है, कौन दे रहा है, स्पीकर दे रहा है ना। अब इधर हार्ड कॉपी की बात करें तो क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटर है, कागज पे छापने वाला। लेकिन अगर बहुत बड़े कागज पे, बहुत बड़े फ्लैक्स में, जैसे बड़े बड़े नक्शे या मैप्स प्रिंट करने हैं, वो हमारे छोटे प्रिंटर से पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रिंट किया, किससे प्रिंट किया जाता है, प्लॉटर से। किससे प्रिंट किया जाता है, प्लॉटर से, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेज है, मेन मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, और हार्ड कॉपी में क्या जाता है, प्रिंटर और प्लॉटर। अभी हम थोड़ा सा देखें तो स्पीकर का तो क्या पढ़ना, बस इतना ही है, आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउट करने काम में आता है, ठीक है। प्लॉटर जो होता है वो किसके लिए आता है, मैप्स के लिए या फ्लैक्स के लिए, कपड़े पे, बड़े पर्दे पे छापना हो तो मैप्स या फ्लैक्स यूज करने के लिए प्लॉटर आता है, बड़ा एक रूम के आकार के जितना होता है वो होता, प्रिंटर या इंक्स इसके अंदर डलती हैं। प्रोजेक्टर्स बड़ी स्क्रीन, बड़े स्क्रीन या बड़े पर्दे पे जो आउटपुट लेना है आपने, मूवीज देखते हो प्रोजेक्टर से, है ना, तो वो आउटपुट डिवाइस है। रह गए हमारे पास दो मेन, एक तो मॉनिटर और एक प्रिंटर, ठीक है। मॉनिटर जो है ना, ये मोटे मोटे रूप से अगर मैं बात करूं तो वो तीन प्रकार के हैं। पहले आते थे CRT, फिर आने लगे LCD, और आजकल आते हैं LED। मोटे मोटे तीन प्रकार के हैं, इनकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। ये होता है कैथोड रे ट्यूब, CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। पहले टेलीविजन भी हमारे आते थे ना बड़े आकार वाले,
उनके लिए बकायदा हम अलग से कोने में जगह बनाते थे कि यहाँ पे तो हम टेलीविजन रखेंगे, है ना, उनका स्टैंड बनाते थे अलग से, तो काफी बड़े आकार के अंदर होते थे वो कैथोड रे ट्यूब, उनके अंदर एक ट्यूब होती थी जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और वो एक स्क्रीन पे पड़ते थे जिससे स्क्रीन जो होती है वो चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होती थी, चमकती थी, है ना, तो एक पिक्चर बनती थी। LCD का मतलब है लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो LCD की है। ऐसी आपने स्क्रीन कई बार मोबाइल्स के अंदर भी देखी होगी, आप थोड़ा सा प्रेस कर देते हो ना तो वहाँ पे अपने कुछ कलर्स भी शिफ्ट कर लेती है वो थोड़ा सा प्रेस करने पर, है ना, अगर छोड़ते हो तो वापस वहीं पे आ जाती है, तो कुछ ऐसा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके अंदर लिक्विड होते हैं, ठीक है। और फिर LED होता है लाइट, आजकल जो आपने देखा लाइट एमिटिंग डायोड। मेन तो यहां पे क्वेश्चन बनता है इनकी फुल फॉर्म से, ठीक है, और बाकी चेंजेस आप जानती हो, या कार में बड़े थे, बिजली खपत भी बहुत ज्यादा करते थे, आंखों पे भी हमारा बहुत ज्यादा नुकसान CRT से होता था अगर हम लंबे समय तक देखते हो। पहले आपने देखा होगा अगर आप ऐसे TVs पे देखते थे, पहले घर वालों को ये बहुत चिंता रहती थी कि इनकी आंखें खराब हो जाएंगी बहुत देर तक ये TV देखते ना, दूर होकर देखते। LED स्क्रीन है, इससे वो कुछ कॉजेस जो है वो नुकसान जो कम हुए हैं, इवन बिजली की भी जो खपत बहुत कम करता है और काफी हल्का होता है, आकार में भी काफी चपटा होता है। इनको अपने फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कह देते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इनके अंदर, मॉनिटर के अंदर। इतना कवर हो गया, लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है प्रिंटर, कि प्रिंटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, वैसे तो इनका जो मेन प्रोसेस रहता है, प्रिंटर दो प्रकार के माने गए हैं, एक माना गया है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक माने गए हैं नॉन इम्पैक्ट। इनकी कैटेगरी बना दी गई है कि ऐसे प्रिंटर जो टकराते हैं कागज के ऊपर, कुछ ना कुछ टकराएगा फिर छपेगा, तो वो इंपैक्ट प्रिंटर आ गए। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जिसमें कागज में कुछ भी टकराता नहीं है, वो अलग अलग तरीके से कागज पे छापता है, वो आता है हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इसके अंदर भी कई सारे आते हैं, जैसे डेजी व्हील आ गया, डेजी व्हील प्रिंटर, करेक्टर प्रिंट, एक होता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे टाइपराइटर आपने देखा होगा टाइपिंग करते वक्त जब आप कोई कीज प्रेस करते हो तो एक हेड जाता है और वो टकराता है रिबन के ऊपर, तो जो इंपैक्ट वाले होते हैं इनमें क्या यूज किया जाता है, रिबन यूज किया जाता है, कैसे, इंक के रूप में स्पेशल कोटिंग वाला रिबन यूज किया जाता है, वो कागज के ऊपर जब हेड टकराता है बीच में रिबन होता है, जैसे कार्बन से नहीं छापते अपने, कार्बन के ऊपर हम लिखते हैं तो नीचे छप जाता है, वही चीज हमारे पास यहाँ पे रिबन में होती है, लेकिन नॉन इंपैक्ट में ऐसा नहीं होता। ये तीन है, एक है लेजर प्रिंटर, ठीक है, एक है इंक जेट प्रिंटर और एक है हमारे पास थर्मल प्रिंटर। तो तीन प्रिंटर हमारे पास है नॉन इंपैक्ट के अंदर जिसपे कुछ टकराते नहीं, आजकल ये प्रिंटर चलते हैं। लेजर प्रिंटर के अंदर ज्यादातर आपने ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटर है, फोटोकॉपी की मशीन है, वो लेजर प्रिंटर होती हैं। खास बात क्या है, इनके अंदर टोनर डलता है, टोनर क्या होता है जी, जो इंक होती है सूखा पाउडर, सूखा पाउडर कौन क्या डलता है, टोनर डलता है लेजर प्रिंटर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर के अंदर इंक डलती है लिक्विड इंक, कैसी होती है सर, लिक्विड। ये कलर जो प्रिंटर होते हैं आजकल आपने देखा होगा, लिक्विड इंक डलती है इसके अंदर, कितनी इंक डलती है, कलर के लिए चार होती हैं, CMYK, सी से सियान, एम से मैजेंटा, वाई से येलो और के से ब्लैक, तो चार तरह की इंक कलर प्रिंटर के अंदर डलती हैं इंक जेट प्रिंटर के अंदर खास करके। और ये छपाई कैसे करता है, इसके अंदर क्या होता है, नोजल्स होती हैं, नोजल्स जो स्प्रे करती हैं, किसकी स्प्रे करती हैं, इंक की स्प्रे, बारीक बारीक इंक की स्प्रे करती हैं कागज के ऊपर और फिर छपाई करती हैं, वो किस में होता है, इंक जेट प्रिंटर के अंदर, किस में होता है, इंक जेट प्रिंटर के अंदर। और फिर हमारे पास आते हैं थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर के अंदर किसी भी प्रकार की इंक नहीं डलती, थर्मल प्रिंटर कैसा होता है, हैंड हिल्ड, आप हाथ में आसानी से उठा सकते हो, ATM मशीन के अंदर, ठीक है, POS मशीन के अंदर,
इनका यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं, छोटी रिसिप्ट निकलती है, इनके अंदर स्पेशल पेपर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? स्पेशल पेपर, स्पेशल पेपर यूज किया जाता है। उसके एक तरफ कोटिंग होती है, स्पेशल कोटिंग होती है। जब थर्मल प्रिंटर से कुछ प्रिंटिंग करनी होती है तो वहां से अपने आप ही वो अक्षर जो है वो उभर जाते हैं, ठीक है। थर्मल टेक्निक से अक्षर जो है कागज के ऊपर उभर जाते हैं और वो वहां पे जो है प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंटर का टॉपिक था। तो आज के वीडियो के अंदर, आज के अंदर इतना ही काफी है। इसके भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और कल को नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर पार्ट नहीं है? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा हार्डवेयर पार्ट नहीं है? तो हार्डवेयर पार्ट आप जानते हैं, फिजिकल पार्ट, जो भौतिक पार्ट होते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो क्या कीबोर्ड हार्डवेयर पार्ट है? बिल्कुल है। मॉनिटर भी हार्डवेयर पार्ट है, काफी सारी जगह घेरता है मॉनिटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम सुना है आपने, या माउस, ये हार्डवेयर पार्ट है? बिल्कुल है। तो ये तीनों तो हैं, तीनों है ही, तो इसका मतलब हार्डवेयर पार्ट कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने नहीं लिखा है, तो नहीं कौन सा सी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हार्डवेयर पार्ट नहीं है। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, ये आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब इसका टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा डिवाइस पूछा? इनपुट, यानी कि जिससे हम डेटा को इनपुट नहीं कर सकते। कीबोर्ड से क्या डेटा इनपुट होता है? बिल्कुल होता है। मॉनिटर से नहीं होता है ना, स्कैनर से कोई पिक्चर होती है हमारी, कोई साइन वगैरह है, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने हैं। और माउस से होती है इंस्ट्रक्शन इनपुट, है ना। तो ये तीनों तो है ही नहीं, कौन सा है? तो आंसर बनेगा, इन्होंने क्या पूछा है, नहीं है। तो फिर से नहीं का क्वेश्चन आया, तो मॉनिटर जो है वो इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट है। इससे कुछ भी कंप्यूटर के अंदर जाता नहीं है, बल्कि कंप्यूटर से क्या चल रहा है या क्या बन गया है उसका रिजल्ट वो हमें दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? हमने कीबोर्ड पढ़ा था, अलग अलग कीज भी पढ़ी थी, तो फंक्शन कीज सबसे ऊपर वाली जो रो होती है, कितनी कीज होती है? क्या वो 12 है या 102 या 17 या 3? इसका आंसर क्या है, सोचिए, इसका आंसर है 12, ठीक है। तो फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होती है, F1, F2, F3, F4 और F12 तक ये जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, OMR की फुल फॉर्म क्या है? OMR है ना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी चीजें। क्या ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर? मैग्नेटिक रीडर नहीं आएगा, ओपन मार्क रीडर, ये ओपन वर्ड यहाँ पे गलत हो गया है ना, क्योंकि O आपने देखना है, O का मतलब तो है ऑप्टिकल यहाँ पे। तो पहले तो ये ढूंढना है कौन कौन से ऑप्टिकल, एक इसमें आया था, इसके अंदर ऑप्शनल आ गया, ये नहीं हो सकता, तो एक इसके अंदर ऑप्टिकल है, इसके अंदर M से मैग्नेटिक आ गया, इसीलिए नहीं हो सकता, तो डी बचता है हमारे पास, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो डी इसका आंसर है। OMR जो आप एग्जाम देते हो, OMR शीट पे गोले जो आपको भरने होते हैं, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर उसके लिए जो होता है डिवाइस, उसको रीड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लेजर जेट प्रिंटर में उपयोग में लिया जाता है? तो लेजर प्रिंटर की बात कर रहा है वो, प्रिंटर हमने पढ़े थे, तो लेजर प्रिंटर के अंदर क्या चीज यूज होती है? क्या उसके अंदर लिक्विड इंक यूज होती है, या टोनर यूज होता है, या रिबन यूज होता है, या इनमें से कुछ भी हम यूज नहीं करते? क्या हो सकता है लेजर जेट के अंदर? सही आंसर है बी, टोनर। टोनर कहते हैं, टोनर किसे कहते हैं, इसके अंदर जो सूखा पाउडर डलता है ना, तो वो सूखा पाउडर होता है, तो उसी को बोलते हैं टोनर। तो सही आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? किसकी पूछा उसने? एलसीडी की फुल फॉर्म। तो ये किससे क्वेश्चन है? डिस्प्ले से, आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन है। एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखने में पहला ही सही लग रहा है, आगे देखते हैं। तो एलसीडी, डी तो आएगा डिस्प्ले से, तो डिस्प्ले इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर नहीं है, तो ये सी ऑप्शन कट गया। और एल, एल का मतलब लिक्विड, तो इसके अंदर लाइट जो है इसलिए कट गया, इसके अंदर लाइट है इसलिए कट गया। तो और क्या आएगा? सी से क्रिस्टल, तो ए ही इसका आंसर बनता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर क्रिस्प है, ये नहीं आएगा, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब यहाँ पे पूछा है आउटपुट नहीं है ना, पहले आया था इनपुट नहीं है, जिससे आउटपुट नहीं कर सकते। क्या मॉनिटर हमें आउटपुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिंटर से आउटपुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर से भी आउटपुट होता है। तो मॉनिटर की तो एक लिमिट होती है ना, कितने साइज का मॉनिटर हमारे पास होता है, लेकिन अगर बड़े पर्दे पर आपने देखना हो तो प्रोजेक्टर देखते हैं, तो है तो काम तो सेम ही करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी सॉफ्ट कॉपी प्रिंट के लिए, ये भी सॉफ्ट कॉपी प्रिंट के लिए, और प्रिंटर हार्ड कॉपी के लिए। तो हमारा आंसर बनेगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? ये इनपुट डिवाइस है,
ठीक है, जो हमारी आवाज को इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रिंटर के द्वारा नोजल से इंक की स्प्रे। देखो प्रिंटर के द्वारा नोजल, एक नोजल वर्ड आ गया, हमें पॉइंट आउट ये करना है, और एक इंक से स्प्रे करके, ये इंपॉर्टेंट है, स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है, क्या लेजर प्रिंटर है? इसके अंदर तो टोनर यूज होता है, सूखा पाउडर, तो ये नहीं हो सकता। थर्मल प्रिंटर के अंदर कोई इंक या टोनर यूज होता ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर रिबन यूज होता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन है बी, इंक जेट प्रिंटर, क्योंकि वैसे भी इनके अंदर इंक की बात आ गई तो इंक जेट प्रिंटर के अंदर ही होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग जिससे हम माउस को पॉइंट नहीं कर सकते, वो ढूंढना है कौन सा डिवाइस नहीं है। तो माउस तो पॉइंट कर ही सकते हैं, ये तो है ही, टचपैड लैपटॉप के अंदर होता है, ये भी माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए होता है, ट्रैक बॉल से भी आप माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड जो है इससे आप माउस पॉइंटर, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कहा जाता कीबोर्ड, ठीक है, इसके लिए आप डेटा को इनपुट टाइप करके कर सकते हो, तो डी इसके अंदर आंसर आएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से बैंक में चेक या डीडी आदि को पढ़ने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग में लिया जाता है, यानी कि चेक डीडी जो होते हैं उनके अंदर जो चेक नंबर वगैरह जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पेशल इंक से लिखी जाती है, तो उनको पढ़ने के लिए, उनको जांचने के लिए कह सकते हैं आपने, है ना, तो इसमें जांचने के लिए, तो जांचने के लिए ऐसा कौन सा होता है, आपको बताया गया जब बैंक का वर्ड आए तो इन चारों में से कौन सा है, ओ एम आर, एम आई सी आर, बी सी आर या ओ सी आर, इसके अंदर आएगा एम आई सी आर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक क्रेटर रिकॉग्निशन। तो MICR जब भी बैंक का वर्ड है तो उसका आंसर ये आएगा। तो आज जितना हमने पढ़ा था उसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप और वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल HSD Tech Hub को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो @HSDHOLL पर, ठीक है, इसके अंदर भी, इंस्टाग्राम पे मैं लगभग इसके अंदर रील जो है वो डालता रहता हूँ। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।